कलमा बैराज के उड़ीसा की तरफ रेगिस्तान और छत्तीसगढ़ की तरफ समुद्र। समुद्र को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन रेगिस्तान को देख के रोना आता है, क्योंकि मैं रेगिस्तान से आया हूँ। जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ लोग उजड़ जाते हैं, पर ये तो नदी का रेगिस्तान है। इस नदी को अपने जीवन का अधिकार है, इस नदी को ऊपर से लेकर नीचे तक, नदी की अविरलता के लिए और नदी की निर्मलता के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। कलमा बैराज ऊपर छिड़ा है आज महानदी बचाओ आंदोलन, महानदी यात्रा रे आसिकी ए कलमा बैराज ऊपर छिड़ा है। ए कलमा बैराज होची महानदीर तल मुंडरे थिबा सबुठु शेष बैराज, सातटी बैराज ऊपर अच्छी एटा होची शेष बैराज। आपण मन देखि पारुथिबे महानदी एठी समुद्र परी दिशुची, छत्तीसगढ़ पटकू समुद्र परी दिशुची, एवं यही समुद्र परी पानी लंबी पाखापाखि सात आठ किलोमीटर छुड़ी। अंपट देखिए जदि ओडिशा पटरे एठी नदी मरी जा कहले अत्युक्ति हम ना, नदी एठी मरी जा नदी रो जो बैरेज 66 बैरेज रो गेट अच्छे सबु गेट बंद, पानी टूपे जाऊ ना, ओडिशा पटरे पूरा मरुभूमि बाली ही बाली। आमे एठी दाबी करछु, प्रथम दाबी कलमा बैरेज रो मिनिमम पांचोटी गेट छत्तीसगढ़ सरकार खोलंतु, नदी को बहिबा को दियंतु, महानदी रो पानी हीराकुद को जाऊ, ओडिशा को जाऊ, महानदी को जाऊ, ये प्रथम डिमांड आमे एठी कलमा बैरेज उपरे करबा को चाहूं। एवं एटा महानदी ट्रिब्यूनल भितरे हो नाही, आज पर्यंत इंटरिम ऑर्डर मिली पारला नाही, जहाँ फल कि महानदी जो एनवायरमेंटल फ्लो ताहा आज मैंने सुरक्षित कर रखा जाई पारला नाही। सेति पई आमे आह्वान दउचु ओडिशा वासी को एवं छत्तीसगढ़ वासी को, चाषी मानू आदिवासी मानू से यार प्रतिकार करिवे, एवं एथि पई व्यापक जन आंदोलन गढ़ी तोलने आम ये आह्वान दौ।